वी वी आर स्टडी ग्लाइसिन ठीक है ग्लाइसिन के बारे में कुछ पॉइंट्स बताना चाहिए फॉर द सेक ऑफ एमसी के यूज़ एक तो ये नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स में से है इट कैन बी सिंथिसाइज इन ह्यूमन बॉडी इट इज़ नी ओनली अमाइनो एसिड जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये ग्लाइकोजेनिक है मीनिंग इससे हम ग्लूकोज बना सकते हैं ठीक है बहुत सारे स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स में हमें की प्रोडक्शन के लिए हमें ग्लाइसिन चाहिए होता है मसलन के हीम विच इज़ द पॉइंट ऑफ यूरिन जो कि न्यूक्लियोटाइड्स में होती हैं एनक्रेटिन विच इज़ अ मसल फॉसफो प्रोटीन जो कि रिच होती है इन एनर्जी ठीक है इसके अलावा स्किन काब्रेशन होती है प्रोटीनस में और जो हमारे पास वी हैव सीरिन राइट सीरिन एक माइनो एसिड है तो हम सीरिन को सिंथेसाइज करते हैं ग्लाइसिन से ठीक है और ग्लूकोज को भी हम सिंथेसाइज करते हैं ग्लाइसिन से और वन कार्बन मेटाबॉलिज्म में भी ग्लाइसिन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है ठीक है ग्लाइसिन सबसे अपॉन्डेंट अमाइनो एसिड है ठीक है एंड इज अमंग द कामनेस्ट अमाइनो एसिड्स इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर इन इट इज द मोस्ट अपॉन्डेड अमाइनो एसिड जो कि यूरिन में एक्सक्रीट होता है एंड अमंग द मोस्ट कॉमनस्ट अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन स्ट्रक्चर इसका छोटा सा साइज होता है मजीद ये कि यह नॉन पोलर होता है ना बिकॉज इसका जो आर ग्रुप होता है जो वेरिएबल ग्रुप होता है ना दैट इज सिंपली ए सिंगल हाइड्रोजन आइटम ठीक है तो ग्लाइसिन है ना वो मोस्टली प्रेजेंट होता है ये मोस्टली प्रेजेंट होता है इन द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन बिकॉज छोटा साइना और नॉन पोलर है इसलिए प्रोटीन के कोर रीजन में मौजूद हो सकता है ठीक है जो पोलर होते हैं ना और बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जनरली पेरी ऑफ प्रोटीन में पाए जाते हैं ठीक है थीके? जो कॉलोजिन है ना विच इज इन एन इम्पॉर्टेंट प्रोटीन जो कि फॉर्म करती है पेरियस कनेक्टिव टिश्यूज का एक मेजर कॉम्पोनेट उसमें जो थर्टी परसेंट ऑफ दिनो एसिड सीक्वेंस इन ग्लाइसिन सॉरी अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन कॉलोजिन इज कम्पोज ऑफ ग्लाइसिन ठीक है बिकॉज थ्री अमाइनो एसिड रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं ठीक है जो कि कॉलेजेंट बनाते हैं जिसमें एक कॉम्पोनेंट इस रिपीटिंग यूनिट का ग्लाइसिन होता है अब हमने कहा है कि दिस इज नॉन असेंशियल सिंस हम कह चुके हैं कि ग्लाइसिन नॉन असेंशियल इसका मतलब है कि बॉडी में ग्लाइसिन सिंथिसाइज हो सकता है ना विल बी टॉकिंग अबाउट कि कैसे सिंथिस होती है इनफैक्ट तीन तरीकों से होती है ठीक है सीरीन से सिंथिस हो सकती है ठीक है सीरीन एक अमाइनो एसिड है ठीक है सीरीन से हम ग्लाइसिन को सिंथेसाइज़ कर सकते हैं एंजाइम का नाम है सीरन हाइड्रोक्सी मिथाइल एज बिकॉज ये जो कॉम्पोनेंट है ना मिथाइल कॉम्पोनेंट उसका ट्रांसफर होता है ठीक है और ये डिपेंडेंट होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट पर ठीक है ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ना। ये बेसिकली है ना ग्लाइसिन ये है सीरीन ग्लाइसिन की कन्वर्शन हुई है इंटू सीरीन ठीक है बट बल्कि सॉरी सीरीन की सीरीन से हम ग्लाइसिन तक पहुँचे ना बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लाइसिन राइट नाउ इस रिएक्शन में एनजाइम है सीरीन हाइड्रोक्सी मेथिल ट्रांसफरेज ठीक है सीरन हाइड्रॉक्सी मेथिल ट्रांसफरेज सीरीन का एक ग्रुप है हाइड्रोक्सी मेथल ग्रुप ठीक है दैट इज बिन ट्रांसफर्ड ऑन टू द टी एच एफ एंड वी नाउ हैव द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइसिन और एन फाइव एंड टेन मिथाइलिन टी एच एफ की फॉर्मेशन होगी है एंड दिस एक्सप्लेन हाउ ग्लाइसिन इज इन्वॉल्व इन वन कार्बन मेटाबलिज्म ठीक है ये जो कॉम्पोनेंट है ना हाइड्रोक्सी मथल कॉम्पोनेंट ये सीरियन का जाकर अटैच हो गया ऑन टू द टी एच एफ आप कंपेयर करें ना स्ट्रक्चर को सीरन और ग्लाइसिन में क्या फ़र्क है इस पोर्शन का फर्क है वजह से मिथाइलिन ग्रुप ए के ए हाइड्रोक्सी मिथाइल पोर्शन एंड दिस द फर्स्ट वे इन विच द ग्लाइसिन कैन भी सिंथिसाइज इन द्यूमन बॉडी जस्ट डिफाइंग द क्लेम के ग्लाइसिन एक नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन को हम एक और अमाइनो एसिड से भी एकर कर सकते हैं थ्रियोन से ठीक है इस केस में जो एनजाइम का नाम है दैट इज थ्रियोनिन एल्डोलेस ठीक है दैट इज द एनजाइम यूज इसके इस अलावा जो तो थर्ड वे है ना जिससे हम ग्लाइसिन प्रोड्यूस कर सकते हैं इज यूज द एनजाइम ग्लाइसिन ठीक है उसमें एंट्री होती है एन फाइव एन टेन मिथाइलिन टी एच एफ़ की ये रिएक्ट करता है CO2 टू के साथ एनमोनिया के साथ इस तरह ग्लाइसिन की फॉर्मेशन होती है ठीक है ये CO2 टू ये है अमोनिया माइन ठीक है इस रिएक्शन में एंट्री हुई है एन फाइव फाइव एन टेन मिथाइलिन टी एच एफ की फॉर्मेशन होगी ग्लाइसिन की एन यू ऑल्सो टू मेक यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर कोएंजाइम अब ग्लाइसिन को हम बना चुके हैं अब हम बात करते हैं कि ग्लाइसिन डिग्रेडेशन कैसे होती है ऑक्सीडेटिव डियामिनेशन इसमें ऑक्सीडेशन भी होती है एनामाइनो पोर्शन की रिमूवल भी होती है कौन करता है एक फेमिलियर एनजाइम ग्लाइसिन सिंथेस ठीक है ग्लाइसिन पर ग्लाइसिन सिंथेस एक्ट करता है डियामिनेशन होती है अमाइनोपोशन लिबरेट हो जाता है एंड वी ऑलरेडी नो राइट बिकॉज दिस इज सिंपली रिवर्स रिएक्शन ऑफ द लास्ट स्टेप लास्ट रिएक्शन डेट वी कंसिडर्ड सीओ टू भी लिबरेट होता है ठीक है और साथ में एक वन कार्बन फ्रैगमेंट एन फाइव एन टेन मिथाइलिन टी एच एफ का ठीक है ये ना एक मेजर रूट है ग्लाइसिन ब्रेकडाउन का मैमल्स में ग्लाइसिन सिंथेज मल्टी एनजाइम कॉम्प्लेक्स है इसको कौन से को एनजाइम चाहिए एक तो ऑब्वियसली टी एच एफ चाहिए ठीक हैलिन कॉम्पोनेट साथ में पी एल पी चाहिए विच इज वाइटामिन बी सिक्स PLP is needed for the action of the enzyme glycine synthase and NAD plus bhi chahiye ye reaction reversible hai obviously because we've talked about the reaction in both directions and the products isliye hum glycine ko bana sakte hain one carbon unit se bhi we've already talked about this ये first way है जिससे glycine degradation हो सकती है हमने oxidative deamination कर दिया ठीक है और इससे जो remnant है ना glycine का वो one carbon metabolism में दाखिल भी हो गया दूसरी बात यह कि ग्लाइसिन को हम रिवर्सिबली कन्वर्ट कर सकते हैं सीरीन में ये बात भी डस मेक सेंस बिकॉज हम सीरीन से भी ग्लाइसिन को फॉर्म कर रहे थे यूजिंग डी एनजाइम सीरीन हाइड्रॉक्सी मेटल ट्रांसपेस इस केस में एक मिथाइलिन यूनिट सीरीन का रिमूव हो गया था बाय द टी एच एफ एंड ग्लाइसिन की फॉर्मेशन हुई थी अब रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकता है विच इज अ पार्ट ऑफ ग्लाइसिन डिग्रेडेशन ग्लाइसिन रिवर्सिबली कन्वर्ट होता है सीरीन में ठीक है अगेन टी एच एफ की जरूरत है एनजाइम वही है सीरीन हाइड्रॉक्सीमथल ट्रांसफरेज इस केस में एन फाइव एन टेन मिथाइलिन टी एच एफ मिथाइलिन पोशन ग्लाइसिन को देता है जिससे सीरीन की फॉर्मेशन होती है ये जो सीरिन है ना वो कन्वर्ट हो जाता है पायरूवेट में सीरीन एक अमाइनो एसिड है पायरुवेट एक अल्फा कीरो एसिड है ठीक है इसका मतलब है कि इन ऑर्डर फॉर सीरीन टू तो बी कन्वर्टेड इन पायरुवेट दे नीड्स टू तो बी डियामिनेशन ठीक है और ये डियामिनेशन कौन करता है सीरिन डीहाइड्रेटेस ठीक है और इससे जो पायरोट बन जाता है एंड यू नो के पायरुवेट कैन एक्ट एज ए ग्लूकोनियोजेनिक सबस्ट्रेट एंड इस तरीके से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है एंड दिस इज जस्टिफाइंग द क्लेम के लाइसिन इज कंसिडर्ड ए ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट ये है कि यही जो सीरिन बना है ना सीरिन पायरोवेट में कन्वर्ट हो सकता है सीरियन डिहाइड्रोटेस से लेकिन सीरिन कैन ऑल्सो भी डिग्रेडेड टू समथिंग नोन एज ग्लायक्सीट जो है ना, दैट इज ऑल्सो एन अल्फाकिडो एसिड ये जो अल्फा कीडो एसिड है ना ये अंडरगो करता है ट्रांसमेशन तो वी गेट ग्लाइसिन अगेन ग्लायक्सीट इज दल्फाइसीन सीरियन की डिग्रेडेशन से ग्लायसीलेट जो कि फिर से ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो सकता है सो दिस इज अगेन रिवर्सिबल ये पॉसिबिलिटी है और यही जो ग्लायोक्सीट है ना जो कि सीरियन की डिग्रेडेशन से बना है ये ऑक्सीलेट में भी कन्वर्ट हो सकता है जो ऑक्सीटन एज यू प्रोबली नो एक प्रोडक्ट है ठीक है और फॉर्मेट में भी ग्लायक्सीट यानी ग्लायक्सीट कन्वर्ट होता है ऑक्सीलाइट में एंड फॉर्मेट में जो फॉर्मेट है ना वो तो वन कार्बन मेटाबॉलिज्म में एंटर हो जाता है ना जबकि ऑक्सीलाइट इज़ रिमूव फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी ठीक है एक ये रूट है ग्लाइसिन की हमने ट्रांजामिनेशन की है पी डिपेंडेंट लाइक ऑल अदर ट्रांजामिनेशन ग्लायोक्सीट बन गया है ये जो ग्लायक्सीट है इसका ब्रेकडाउन से उसकी इसकी ब्रेकडाउन से ऑक्सीलेट बनना है एंड फॉर्मेट फॉर्मेट एंटल हो गया वन कार्बन मेटाबलिज्म में ऑक्सीडेट की रिमूवल होगी है सिमिलरली हमने ग्लाइसिन को कन्वर्ट किया है ऑक्सीडेटिव डमिनेशन से ठीक है ग्लाइसिन को हमने सीरिन में कन्वर्ट किया है सीरिन हाइड्रोक्सीमेथल ट्रांसफेरेज से सीरिन से हमने उसको कन्वर्ट किया है पायरोट में डिहाइड्रेटेस से ग्लूकोस बन किया दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हमने पहले इथेनोलमिन में फिर ग्लाइकोकोलेट में फिर इवेंचुअली ग्लाइक्सीट में डिग्रेड किया है ठीक है ये मल्टीपल स्टेप है सीधा हम सीरीज से ग्लायक्सीट तक नहीं पहुँचते ऑल द the थ्योरी पढ़ें तो यू माइट गेट दैट इंप्रेशन तो ये जो ग्लायक्सीट है उसकी ट्रांसजामिनेशन बिकॉज ट्रांसजामिनेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ना तो उससे वी गेट ग्लाइसिन अगेन